साधक के हृदय में अभिमान की गांठ देखते हैं तो भगवान कहते हैं इसका उपचार अभी होना चाहिए। इसलिए जैसे ही गोपी के मन में मद जगा, भगवान अंतर ध्यान हो गए, छिप गए भगवान। अर्जुन को मद हुआ, भगवान ने कहा उपचार करना चाहिए। दोनों भेष बदल कर गए मूरध्वज राजा, बड़ा धर्मपरायण, बड़ा नीतिज्ञ, बड़ा भक्त। भगवान ने कहा राजा तुम्हारे पास एक मांग लेकर आए हैं, एक याचना लेकर। राजा ने कहा मैं संत सेवी हूं, जो बन पड़ेगा सो करूंगा। बोले पहले वचन दो। मूरध्वज ने वचन दे दिया। बोले हम मार्ग से आ रहे थे तो हमको मार्ग में एक सिंह मिला। दोनों भेष बदल कर गए हैं राजा मूरध्वज के पास। भगवान ने कहा भगवान पिता बने, अर्जुन पुत्र बने। पिता ने कहा कि वो सिंह मेरे पुत्र को खाना चाहता था। मैंने कहा मेरे पुत्र के स्थान पर तुम मेरा भक्षण कर लो। सिंह ने कहा कि तुम्हारा भक्षण करने से मेरी भूख नहीं मिटेगी, तुम पर्याप्त आहार नहीं हो मेरे लिए, तुम्हारा पुत्र ही चाहिए। मैंने बड़ी अनुनय विनय की कि कोई विकल्प हो तो बताओ। तो सिंह ने कहा कि मोरध्वज का, राजा मोरध्वज का शरीर का आधा हिस्सा यदि मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूं। तो राजा तुम्हारे शरीर का आधा हिस्सा चाहिए। कौन सा? दायां हिस्सा। तुम्हारे शरीर का दाहिना भाग मुझे चाहिए उस सिंह के आहार के लिए, तभी वो मेरे पुत्र के प्राण छोड़ेगा और मैं उसे वचन देकर आया हूं। राजा मूर्ध्वज प्रसन्न हो गए कि महाराज मेरा ये तन, ये मैला कुचैला देह संत की सेवा के काम आएगा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। राजन तुमने मेरी पूरी बात सुनी नहीं, तुम बीच में बैठो, एक और तुम्हारी पत्नी और एक और तुम्हारा पुत्र आरा लेकर धीरे धीरे तुम्हारे शरीर का दाहिना भाग बाहिने भाग से अलग करें, और तुम्हारी आंख गीली ना हो, तुम्हारी आंख में कहीं पीड़ावशात या किसी अन्य कारण से अश्रु ना आ जाए, ऐसी स्थिति में यदि तुम अपने शरीर का दाहिना भाग दो तभी वो सिंह स्वीकार करेगा। और कितनी विचित्र भक्ति, कैसा विलक्षण भाव कि रानी और पुत्र ने सुना तो दोनों प्रसन्न हो गए। पुत्र ने कहा लेकिन पिताजी मैं आपका आत्मज हूं, आपका आत्मस्वरूप हूं, पिता और पुत्र में भेद नहीं होता, तो मैं अपना देह देने को तैयार हूं। पिता ने कहा नहीं, तुम्हें कार्यभार संभालना है और ये आज्ञा संतों ने मुझे की है, तो जैसी संतों की आज्ञा है वैसा करो। अर्जुन देखते जा रहे थे और हतप्रभ रहते जा रहे थे। दोनों ने आरा लेकर धीरे धीरे राजा का वो तन चीरना आरंभ किया। बाईं आंख से आंसू गिर पड़ा, दाईं आंख से नहीं, वो जो दायां हिस्सा सिंह ने मांगा था वो दायां हिस्सा नहीं, बाईं आंख से आंसू गिर पड़ा। भगवान ने कहा रुक जाइए राजन, आप अपनी बात पर नहीं रहे, मैंने कहा था कि तुम्हारी आंख गीली ना हो, अश्रु का बिंदु ना टपक पड़े, देने के बाद यदि आपको दुख हुआ तो आपका दिया स्वीकार नहीं होगा, देने के बाद यदि आप दुख मनाए कि अरे क्यों दे दिया, नहीं देते तो चलता, तो आप देकर भी चूक गए। तो राजन तुम दुखी होकर देते हो, और दुखी वस्तु की व्यक्ति, दुखी व्यक्ति की वस्तु स्वीकार नहीं करना चाहिए, अब ये नहीं लिया जाएगा। राजन ने कहा महाराज सुन लीजिए कि बाईं आंख से आंसू क्यों गिरा। भगवान ने कहा कहो। बाया अंग इसलिए दुखी हो गया कि दाया अंग तो सेवा के काम आ गया और बाया रह गया। इस बाया अंग को यह पीड़ा रही कि यह संत की सेवा के काम नहीं आ सका, यह निरर्थक चला गया। भगवान के भी नेत्र सजल हो गए, बस इससे अधिक परीक्षा नहीं ले पाए, भगवान प्रकट हो गए। राजा मूरध्वज स्वस्थ हो गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े, और अर्जुन लज्जा के मारे गड़े जा रहे थे धरती में कि यह भक्ति है, यह भाव है, हम स्वयं सा भक्त किसी को जान नहीं रहे, हम स्वयं सी भक्ति किसी में देख नहीं रहे, और एक ये भगवान की भक्ति है कि कोई भी ब्राह्मण, राह चलता ब्राह्मण आ गया द्वार पर और कैसी याचना, न भूतो न भविष्यति। भगवान प्रसन्न हो गए, मूरध्वज को अविचल भक्ति का वरदान दिया और बोले कहो क्या चाहते हो। तो राजा मूरध्वज क्या मांगते हैं भगवान से, बोले प्रभु कली काल है, अब आप भक्तों की ऐसी परीक्षा मत लिया करिए, बस मैं आपसे यही याचना करता हूं कि अब आप भक्तों के भाव की ऐसी परीक्षा मत लीजिएगा।
दर्प चूर किया भगवान ने अर्जुन का। जैसा मैंने कहा ना कि कोई ग्रंथि शरीर में ऐसी विषैली भी हो सकती है जो हो सकता है आपके प्राण ले ले, जीवन की हानि हो जाए। तो अध्यात्म के मार्ग पर दो ग्रंथियां ऐसी हैं जिससे आध्यात्मिक जीवन की हानि संभव है। एक ग्रंथि है अभिमान और दूसरी ग्रंथि है संशय। भगवान कह रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति, और ये दोनों ग्रंथियां एक साथ ही रहती हैं। जो व्यक्ति अभिमानी होगा वह व्यक्ति समर्पित नहीं हो पाएगा, और बिना समर्पण के विश्वास नहीं जगे। श्वास भगति नहीं और ते ही बिन द्रम ही न राम, राम कृपा बिन सुपने हूं जीव न ले विश्राम। तो भगवान ने कृपा की, भगवान छिप गए, और जब भगवान छिपे तब गोपी को चेत आया कि अरे हमने क्या खो दिया। तब गोपी को चेत आया कि ये तो केवल कृष्ण की करुणा थी, ये तो केवल कृष्ण की दया थी। जब अर्जुन हार गए भीलों से और द्वारिका की रानियों की रक्षा तक न कर सके, तब अर्जुन को समझ में आई कि अरे मैं ही वो धनुर्धारी अर्जुन, यही वो गांडीव, यही मेरे दिव्य अस्त्र, और आज क्या हुआ, साधारण से भीलों ने मुझे हरा दिया, लूट लिया, मुझे लज्जित कर दिया, पराजित कर दिया। और वो लज्जित सा, पराजित सा, पीड़ित सा अर्जुन लौट कर आया। तब अर्जुन को समझ में आई कि बल तो किसी और का था, वो शक्ति किसी और की थी, वो कृपा किसी और की थी, वो अनुग्रह किसी और का था। अब गोपियों को समझ में आया और अब गोपियों की विरह व्यथा प्रकट हुई इस गोपी गीत के रूप में। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज शयत इंदिरा, दैत दृश्यता दीक्षुतावका स्तवै धृता सव स्वाम विचिन्वते। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज शय और सबसे पहले गोपी जय घोष करती है, जयति तेधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। इस गोपी गीत की एक बड़ी सुंदर विलक्षण बात है, इसमें एक बड़ा एक अद्भुत सौंदर्य निहित है कि गोपी एक ही शब्द से, इस गोपी गीत में गोपी एक ही शब्द से श्री कृष्ण की स्तुति भी करती है और उसी शब्द से श्री कृष्ण को प्रेम भरा उल्हाना भी दे देती है। कर्तव्य और अधिकार ये दोनों बिल्कुल साथ साथ रहते हैं, एक सिक्के के दो पहलू की तरह। इस समय गोपी का कर्तव्य है, गोपी विरहाकुल अवस्था में प्रियतम को पुकार रही है। एक और रहस्य गोपी प्रकट करती है, जब छिप जाए भगवान, पहले गोपियों ने खोजा, कुंज कुंज में खोजा, कुंज कुंज में भटकी, लेकिन श्री कृष्ण का कहीं दर्शन नहीं हुआ। फिर श्री कृष्ण का दर्शन कहां हुआ, जब गोपी थक कर हार कर यमुना किनारे बैठ गई, मुंद गए नैन, परिश्रम के आधिक्य के कारण आधी रात सघन वन, वृंदावन की वो सघन कुंजें, विरह की पीड़ा, श्रमित शिथिल गात, ढूंढती ढूंढती जब थक गई, आ गई यमुना के तीर। आप एक 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 पक्ष का चिंतन करते आगे बढ़िएगा। गोपी सब ओर से खोज कर कहां आकर बैठी है, यमुना के किनारे। इसीलिए तो मैं गाता हूं, ओ मन चल वृंदावन चल वे मना, वे थे प्रीतम प्यारा नहीं मिलना,
आप भी जब सब ओर दसों दिशाओं में प्रियतम को खोज खोज के हार जाओ ना, तो जमुना के किनारे जाकर बैठ जाना, वृंदावन चले जाना। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन। मैं फिर कहूंगा, इसे कहानी समझ के मत सुनना, इस भाव का अनुकरण करना, पीछे पीछे चलना इस भाव के। देखना गोपी, गोपी ने कैसा मार्ग बनाया है, किस मार्ग से चलकर गोपी गई और प्रियतम को खोज निकाला। कुंज कुंज में डोली है गोपी, प्रीतम दिखाई नहीं पड़े। थक कर हार कर जमुना किनारे आकर बैठ गई और जैसे ही आंख मूंदी, मन मंदिर में बैठे श्याम सुंदर मुस्कुरा दिए। इसीलिए महाराज कहते हैं ना, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा समीपा, सोहे संग समा। पुहुप माही ज्यो बास बसत है, मुकुर माही जो छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। जो बिछड़े है प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े है प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े है प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा 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 यार है हम में, हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या, हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग में, रहे आजाद या जग में, हमन को दुनिया से यारी क्या, आजाद या जग में, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी। कहां मिले प्रियतम, भीतर देखा तो मिले। एक बड़ा सुंदर सिद्धांत प्रतिष्ठित कर देती है गोपी की, प्रभु को खोजना हो तो बाबा बुल्ले शाह एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बुल्लिया कलमा पढ़ना है, कुराना पढ़ना है, कद दिल अपने नु पढ़िया ही नहीं, बुल्लिया असमानियां उड़दियां फड़दा है, जड़ा विच बैठा उन्हू फड़िया ही नहीं। बाहर नहीं खोजना, स्वयं पर दृष्टिपात करना। जब जब आप अपना दोष स्वीकार कर लेंगे, मैंने पूर्व भी निवेदन किया, देखिए आप
कब औषधि लेने जाते हैं? जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपको रोग हो गया है, तभी तो आप औषधि की ओर उन्मुख होते हैं, तभी आप औषधि के लिए प्रयास करते हैं। जब आप मान लेते हैं कि आपको रोग हुआ है, जब आप मान लेंगे कि आपको भी अहम का रोग हो गया है, आपको भी राग का और द्वेष का रोग हो गया है, आपको भी असूया पीड़ित कर रही है, आपको भी ईर्ष्या का रोग हो गया है, आपको भी मान और सम्मान का रोग हो गया है, जब आप ये मान लेंगे, जब आप ये स्वीकार कर लेंगे, तब ये भाव आपके लिए औषध का कार्य करेगा। और ये स्वीकृति कब आएगी? जब आप स्वयं को देखना आरंभ करेंगे। सत्संग आपका स्वयं से परिचय कराता है, आपकी खुद से पहचान कराता है। एक व्यक्ति वो होता है जिससे आप मिलते हैं, जो आपका मित्र होता है, आपका सुहृद होता है, जो आपके हर अच्छे में, जो आपके हर बुरे में आपका साथ देता है, उसी को आप मित्र कहते हैं। आज तो मित्र की परिभाषा बदल गई, जो ना करने योग्य कर्म में आपका साथ दे, वही आपका मित्र है, वही आपका मित्र है। एक मित्र वो था जो सारथी बन के बैठा था, और एक मित्र वो था जिसने दुर्योधन के लिए सदा अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, और कैसी असहाय अवस्था में वो कुंती पुत्र, वो सूर्य पुत्र कर्ण इस संसार से गया, सारा जीवन पीड़ा झेली। एक मित्र वो था और एक मित्र वो था। तो आपका स्वयं से परिचय कराता है सत्संग। और जिस समय आप स्वीकार कर लेंगे आपको ये दोष है, तब आप उसके परिष्कार के लिए तत्पर होंगे। बहुत बार, बहुत अंत तक, यही तो विडंबना, यही तो पीड़ा है मानव के जीवन की, कि उसे सब दिखाई देता है, अपना दोष दिखाई नहीं देता, वो सब देख लेता है। अरे आप तो उड़ती चिड़िया का पर पहचान लेते हैं, आप किसी को देखकर उसके अगले पिछले जन्म की वार्ता बता देते हैं। एक व्यक्ति, मैं कह रहा था, ऐसा होता है शीशे के जैसा, इधर भी दिखाई देता है, उधर भी दिखाई देता है, लेकिन उसके एक ओर जब परत चढ़ा दी जाती है तो वो शीशा दर्पण हो जाता है, आपको आपका प्रतिबिंब दिखाता है। एक शीशा है जिससे आप आर पार का देख लेते हैं, जैसे आप कहते हैं, अरे हम तो यहां की भी जानते हैं, हम तो वहां की भी जानते हैं। आप यहां की भी जानते हैं, वहां की भी जानते हैं, आप स्वयं की नहीं जानते। और एक होता है दर्पण, जो आपको आपका प्रतिबिंब दिखाता है, जो आपको आपकी कुरूपता का बोध करा देता है, जो आपको आपके आपके मुख पर पड़े दाग धब्बे दिखाता है, जो आपको आपकी दुर्बलता दिखाता है। इसीलिए तो सिनेमा में 6 घंटा अच्छा लगता है। और यदि अभी मैं 10 मिनट और आगे बढ़ा दूं आज की वार्ता, तो बड़ी उहापोह हो जाएगी यहां पर। हालांकि मैं ऐसा करता नहीं, आपको 3 घंटा सुनना है तो मुझे 2.5 घंटा सुनाना है। मुझे क्यों आपसे अधिक बात करनी है? आपके पास जितना समय है मेरे लिए, मेरे पास सदा उससे थोड़ा कम ही समय है आपके लिए, उससे अधिक नहीं है। मुझे क्यों ज्यादा बात करनी है आपसे? मैं तो आपके मन की स्थिति आपको बता रहा हूं। सत्संग ऐसा ही दर्पण है, आपको आपका प्रतिबिंब दिखाता है। और जो तैयार हो इस बात के लिए, यही तो हम नहीं कर पाते, इतना साहस ही तो हम नहीं जुटा पाते जीवन भर कि हम सत्य से पहचान कर लें, हम अपने आप से पहचान कर लें। आप थोड़ी देर अकेले हुए, आपने झट से फोन लगाया किसी को, आप झट से किसी को बुला लिया, आ जाइए आज हम अकेले हैं, कुछ देर बात करेंगे। और आज तो एक और बात चल पड़ी, उठाया झोला और चल दिए, बोले कहां जा रहे हैं? शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और कुछ नहीं, कुछ खरीदेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे तो भटक आएंगे संसार की गलियों में। कुछ है ही नहीं ना आपके पास, कहां मन को लगाएंगे? आपको लगता है कि यू आर मूविंग इन अ वेरी एलीट जोन। टुडे यू आर गोइंग फॉर विंडो शॉपिंग, टुडे यू आर गोइंग फॉर क्लबिंग, टुडे यू आर गोइंग फॉर कार्ड्स। आपको लगता है कि यू आर मूविंग इन अ वेरी एलीट जोन, यू आर, दिस इज योर लाइफस्टाइल। आज क्लब जा रहे हैं, आज डिस्को जा रहे हैं, आज डांस करने के लिए जा रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, आज वो, और यही आपका लाइफस्टाइल है। ये आपका लाइफस्टाइल नहीं है, ये आपकी दुर्बलता है, ये आपके जीवन की विभीषिका है, ये आपके जीवन की विडंबना है। एक बार दर्पण के सामने खड़े होकर देखिए,
ये आपके जीवन की कुरूपता है, विरूप होते जा रहे हैं आप जीवन से दूर होते जा रहे हैं, आप पशुपने के निकट जा रहे हैं। फटे हुए वस्त्र पहनना आपको अच्छा लगने लगा है, ये जीवन की कुरूपता नहीं है तो क्या है? फटे हुए वस्त्र आप अधिक पैसा देकर खरीदते हैं और बड़े चाव से पहनते हैं, बड़ी चटक और मटक से आप दिखाते हैं, जाने क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? ये कुरूप मानसिकता है, ये बीमार मानसिकता है। कभी संस्कार की, संस्कृति की, विचार की, सिद्धांत की कसौटी पर आकर देखिए जीवन कितना सुंदर है, जीवन में क्या सौंदर्य हो सकता है, जीवन कितना सुंदर हो सकता है। कभी गर्व से और गौरव से अपनी परंपराओं को, अपने सिद्धांतों को क्षमा करना, नहीं भी करोगे तो कल नहीं आओगे और क्या करोगे तो भी चलेगा। आज तो साहब माताओं और बहनों को सिर का पल्लू भी बोझ लगता है, आज आपको सिर का पल्लू बोझ लगने लगा है, आज आपको संस्कृति, आज आपको विचार, आज आपको आपकी परंपराएं बोझ लगने लगी है। क्यों लगने लगा है बोझ? क्योंकि आप भीतर से कमजोर हैं, क्योंकि आप भीतर से दुर्बल हैं, इसलिए ये परंपराएं, ये सिद्धांत, ये संस्कार, इनको ढोने में आप स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भीतर से कमजोर होते जा रहे हैं। यू आर गेटिंग वीकर इंटरनली डे बाय डे, एवरी डे इन द लाइफ स्टाइल यू आर परज्यूइंग, इट विल लीड टू, ये आपको ले जाएगा कहां? वेयर देर इज डिप्रेशन, वेयर देर इज एग्रेशन, जहां पर आप अकेले हैं, अवसादग्रस्त, पीड़ाग्रस्त। आप उन भोग प्रधान देशों की बात सुनिए, मैं अभी कुछ दिन पहले एक लेख पढ़ रहा था कि विदेशों में 80% लोग किस रोग से ग्रस्त हैं, कि वो बेचारे खुद से बात करते हैं, कोई बात करने वाला नहीं है। आपको मैं ले जाकर छोड़ देता हूं, एक अवसर देता हूं कि आपको किसी द्वीप पर संसार की सब सुंदर, सब ऐश्वर्य देने वाली वस्तुएं, द ऑल लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सब समृद्धि देकर आपको किसी आइलैंड पर अकेले छोड़ दिया जाए, कितने दिन रह लोगे वहां? कितने दिन उन जड़ वस्तुओं के साथ कितने दिन रहेंगे आप? आपको कोई चाहिए, इसलिए अपने जीवन के सुख को पहचानिए, जीवन का सुख कहां है। श्री हितरिवंश महाप्रभु कहते हैं, तू बालक नहीं, भर्यो सयानप, भगवान ने बुद्धि दी है आपको, विवेक दिया है, क्या से क्या बना लेते हैं आप संसार में? 1 का 10 कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आप अपना लाभ अर्जित कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आपको विवेक दिया है। संत कह रहे हैं, अरे तू बालक नहीं, भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। भगवान का गुण गाइए, हरि गुण गाइए, हरि भजिए, आपके जीवन को अर्थ मिलेगा, आपके जीवन को सार्थकता मिलेगी, आपके जीवन को एक सुंदर मार्ग मिलेगा। आप कोई प्रशंसा के पात्र नहीं है अगर आप ये कार्य कर रहे हैं तो, ये कोई प्रशंसनीय जीवन शैली नहीं है, ये आपकी समृद्धि का प्रतीक है, ये आपकी समृद्धि का प्रतीक है कि आप सुबह से लेकर सांझ तक छल और कपट करके जो आपने कमाया वो रात को आप डिस्को या क्लब में जाकर लुटा दिए और मदिरा के नशे में मत होकर आप अपने घर में लौट रहे हैं, यही आपकी समृद्धि है। कि एक सज्जन व्यक्ति, एक उदार व्यक्ति आपके पास भी नहीं आना चाहता, आपको देखना भी नहीं चाहता, यही आपका गौरव है, यही आपने कमाया है, आप ऐसे ही ऊंचे हुए। द वे यू आर गेटिंग मॉडर्न, और फिर अंत कहां होता है इस जीवन शैली का? सो मेनी टाइम्स अ डे यू थिंक दैट यू शुड कमिट द एंड ऑफ लाइफ, अवसाद, पीड़ा, ईर्ष्या, असूया, निंदा, और इन ज्वालाओं से जलते जलते एक दिन ये जीवन की लकड़ी वो राख होती है फिर जिससे मैला धोया जाता है।
जहां से मैंने आज आरंभ की अपनी बात कि साहब यही क्षण है, इसी से आप अपने जीवन को समिधा भी बना सकते हैं, यज्ञ की सार्थक हो सकता है जीवन, और नहीं तो जल जाएंगे कहीं भी, किसी भी चूल्हे में, किसी भी गंवार के हाथ में पड़कर। संभल जाइए, भागिए मत, जागिए। अब सुबह से लेकर सांझ तक भाग रहे हैं, भागते भागते कहीं विश्राम नहीं है, कभी नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। भागिए मत, सत्संग भगाता नहीं है, संसार भगाता है, वस्तु भगाती है। आज ये पा लिया, कल आपसे अच्छी वस्तु आपने कल ही किसी के पास देख ली, अब फिर भागने लगे, और आपका आनंद तो उसी समय समाप्त हो गया जब आपसे अच्छी वस्तु आपने किसी के पास देखी। आपने बड़ा परिश्रम करके बड़ा सुंदर रहने के लिए महल बनाया, और वो महल बनते 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 एक दिन ऐसा आया जब आपसे सुंदर महल का विचार लेके कोई आपके सामने आ खड़ा हुआ। वृंदावन में मंदिर बना, बोले कितना है, 1000 करोड़ का मंदिर। अभी मंदिर बन के पूरा भी नहीं हुआ था, मंदिर का उद्घाटन भी नहीं हुआ, और किसी ने आकर घोषणा कर दी, बोले मैं 5000 करोड़ का बनाऊंगा। ले वो 1000 करोड़ वाले का सब मजा किरकिरा। तो संसार ऐसे ही भगाता है, संसार भगाता है और सत्संग जगाता है। भागिए मत, जागिए, जाग जाइए। गोपी जग गई, जैसे श्री कृष्ण छिपे गोपी जग गई, देखा यहां देखा वहां देखा, इस कुंज में उस कुंज में, कहीं श्याम सुंदर कहीं प्राण प्रीतम नहीं दिखाई दिए, आई यमुना के तट। मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले। डाला विषयों ने दाम बचा लो प्रभु, डाला विषयों ने दाम संभालो प्रभु, अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, मेरे जर जर है पांव संभालो प्रभु, मेरे जर जर है पांव संभालो प्रभु। संभालो प्रभु अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, मेरे जर जर है पांव। तो थक कर हार कर अपने मन मंदिर में देखा, अपने भीतर देखा और प्रभु को पुकारा। ये प्रभु के निकट जाने का प्रथम चरण, प्रथम मार्ग, प्रथम सिद्धांत गोपी देती है। अपने भीतर देखना और प्रभु को पुकारना। आंख देखे किसे? स्वयं को। वाणी पुकारे किसे? प्रभु को। कान सुने प्रभु की वार्ता। और फिर गोपी ने आरंभ किया कहां से? जयति ते धिका जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत। हे श्याम सुंदर, जब से आपने इस ब्रज भूमि पर आपका प्राकट्य हुआ है, जब से आपके श्री चरणों ने इस ब्रज भूमि का स्पर्श किया है, इस ब्रज भूमि की महिमा तो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गई है। आपके जब से श्री चरण कमल पड़े, ब्रजभूमि की क्या महिमा है। अन्य किसी भी लोक में, अन्य किसी भी धाम में भगवान का दर्शन होता है, लेकिन वो आवरण युक्त होता है, एक पर्दा रहता है, एक दूरी रहती है। शास्त्र वर्णन करते हैं कि गोलोक धाम आदि में भगवान जब अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं और ब्रह्मादिक देवताओं को यदि प्रणाम करना हो, तो वो भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर सकते,
और तो और भगवान की चरण पादुका का भी स्पर्श नहीं कर सकते। जिस पाद पीठ पर, जिस दिव्य चौकी पर भगवान की चरण पादुका विराजमान होती है, वो अपने मुकुट के अग्रभाग से केवल उस चौकी का स्पर्श कर सकते हैं। इतनी दूरी है भगवान से मिलने में। और ब्रजभूमि की क्या महिमा है कि यहां गोपी एक बड़ी नगण्य सी वस्तु का लोभ देती है ठाकुर जी को। कोई कोई बहुत बड़ी वस्तु निवेदन नहीं कर रही गोपी। मोर पखा अलकों पे सजा दूं। एक मोर की पाख जो नृत्य करते करते मोर ने कहीं भी गिरा दी किसी कुंज में, कोई बड़ी अमूल्य वस्तु तो है नहीं। मोर पखा अलकों पे सजा दूं। और इतने पे न माने कन्हैया, हरे वास की पूरी मंगवा दूं। हरे वास की पूरी मंगवा दूं। और इससे भी अधिक अगर कुछ दूंगी तुझे तो ला ठुमका लगा दे तो है पायल पहनो। ऐसी वस्तु, माने जहां ऐसी वस्तु से भी प्रभु ऐसे वश में हो जाएं। यहां यहां तो जब उद्धव संदेश लेकर आए ठाकुर जी का, तो गोपी कहती है अरे उद्धव ब्रिज नहीं जोग के जोग। बोले यहां पर योग नहीं साधा जाता, यहां पर नैन मूंद के ध्यान नहीं किया जाता, यहां तो भुज भर भेंटो श्याम सुंदर को। ये ब्रजभूमि की महिमा है। इसीलिए गोपी ने श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए जो प्रथम आवश्यक कार्य है, यदि किसी को इस पथ पर आगे बढ़ना है, यदि किसी को अपनी आध्यात्मिक यात्रा का, इस प्रेम नगरी की यात्रा का यदि मंगलाचरण करना है, यदि किसी को प्रियतम की इस डगर पर चलना है, तो आरंभ कहां से है। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदातिरम श्री राधिका कृपा विन सबके मनन अगम। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य श्री राधिका कृपा विन सबके मनन अगम। इस प्रेम नगर की यात्रा जिसे करनी है, जैसे कोई भी शुभ कार्य करना हो तो सबसे पहले क्या किया जाता है, गणपति का पूजन किया जाता है, वो विघ्नहर्ता है। ऐसे जिसको इस प्रणय की आराधना करनी है, जिसे ये प्रणयाराधन करना है, जिसे इस प्रेम देव का दर्शन करना है, जिसे इस डगर पर चलना है, उसके लिए विघ्नहर्ता कौन है, श्री वृंदावन धाम। उसके लिए ब्रज भूमि विघ्नहर्ता है, उसके लिए वृंदावन की रज विघ्नहर्ता है। इसीलिए यहां के रसिकों ने मंगलाचरण किया है। कैसे, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो गोपी ने भी क्या किया, अच्छा उस विरह की व्याकुल अवस्था में भी आपको गोपी गीत के एक एक श्लोक में, मैंने कहा ना गोपी ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया
कि एक ही शब्द से भगवान की स्तुति भी हो गई और उसी शब्द से गोपी ने भगवान को उल्हाना भी दे दिया। इस पूरे गोपी गीत में गोपांगना ने मानो वेद और शास्त्र का सार भर के रख दिया। गागर में सागर भरा है ये गोपी गीत। यदि इस गोपी गीत की भूमिका से लेकर आप श्री कृष्ण के प्राकट्य तक का चिंतन करें, वस्तुतः ये कथा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है कि अमुक समय गोपी आई, कृष्ण अंतर्ध्यान हुए, गोपी ने गीत गाया और कृष्ण प्रकट हुए। ये बात केवल इतनी ही बात नहीं है। जो प्याज के पात में पात, पात में पात, त्यों संतन की बात में बात, बात में बात, ऐसे इस गोपी गीत की एक एक बात में कोई बात और फिर उसमें कोई बात और फिर उसमें प्रियतम की कोई बात छिपी है। इस एक श्लोक का चिंतन, इस एक श्लोक का चिंतन अपने आप में ग्रंथ का निर्माण करता है, अपने आप में एक पंथ का निर्माण करता है। उस प्रेम की व्याकुल अवस्था में जब गोपी विरहाकुल है, आप और मैं उस विरह का, उस वेदना का अनुभव नहीं कर सकते, अनुमान नहीं कर सकते। संसार के सुख और दुख में रोने और हंसने वाला व्यक्ति क्या जाने प्रेम की पीर क्या है, क्या होती है प्रेम की पीड़ा, प्रियतम का विरह क्या दुख देता है, वो प्रेमी का हृदय जानता है। कि या बिरहा की तब आँच मिटे जब आए के श्याम लगे गले में। लेकिन इस विरह आकुल अवस्था में, इस व्याकुल दशा में भी गोपी मर्यादा नहीं भूलती। जहां से आरंभ करना चाहिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि प्रज्ञा के अभाव में भावुकता भटक जाती है। आपका भाव तभी टिकाने पहुंचेगा जब आपके जीवन में सदगुरु होगा। सदगुरु के अभाव में, गुरुजनों के अभाव में भावुकता कहीं और भी भटक सकती है। पहली पंक्ति की ओर आपका ध्यान ले जाऊं, जहां से मैं आज की चर्चा में प्रविष्ट हुआ कि बहता जल गंगा में भी मिल सकता है और गंदे नाले में मिलकर कीचड़ भी बन सकता है। यदि आपके भाव को किसी चेतना का आश्रय नहीं मिलेगा तो वो मैला भी हो सकता है, आपका पतन भी करा सकता है। गोपी मर्यादा नहीं भूली। गोपी ने बड़ी चतुराई से स्तुति की भगवान की। सबसे पहले देखो, जब कोई रूठ जाए तो उसको मनाने के लिए आप क्या करेंगे, वो बात कहेंगे जो उसे अच्छी लगे, जो उसे प्रिय लगे। इसलिए गोपी ने कहां से आरंभ किया, जयति तेधिकम, कि श्याम सुंदर को वृंदावन का, इस ब्रज भूमि का गुणानुवाद प्रिय है, प्रियतम इससे प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण वृंदावन के सेवन से प्रसन्न होते हैं, वृंदावन की सेवा से प्रसन्न होते हैं, ब्रज भूमि का सेवन श्री कृष्ण के प्रेम के योग्य कर देता है। इसलिए गोपी यहीं से आरंभ करती है। रूठे प्रियतम को मनाना है, खोज लिया, थक गई, हार गई, लेकिन पार नहीं पाया। अब गोपी के पास एक आश्रय बचा। खोजने के बाद गोपी क्या करती है, पुकारती है, जयति तेधिकम जन्मना व्रज क्षयत इंदिरा शश्वतत्रहि दैत त्रिशता दिक्षुतावका स्तवै धृता सव। मैं आपसे पुनः पुनः इन श्लोकों का गान इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इन श्लोकों में प्रेम की अद्भुत ऊर्जा भरी है। जैसे जब आप कोई मंत्र जपते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उस मंत्र का अर्थ आप नहीं जानते। आपको सिखा दिया जाता है कि आपको ऐसे मंत्र जपना है, आप उस मंत्र का अर्थ नहीं जानते, लेकिन मंत्र को जपते जपते मंत्र की जो शक्ति है, मंत्र की जो ऊर्जा है, वो प्रकट होती। ठीक ऐसे ही गोपी गीत के इन श्लोकों में गोपी का विरह, गोपी की वेदना, गोपी के प्रेम की पीर छिपी है। बार बार इन शब्दों का गान करने से मन निर्मल होता है, वाणी पवित्र होती है, हृदय प्रेम का पात्र बनता है। तो गोपी कहती है, प्यारे आपके आगमन के कारण,
आपके श्री चरणारविंद ने जब से स्पर्श किया इस भूमि का, इस ब्रज भूमि की महिमा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गई। दैत दृश्यताम, हे प्यारे आप छिप गए हैं हमसे, हमें दर्शन दीजिए। दिक्षु तावका स्तवई धृतासवस्त्वाम विचिन्वते, और क्यों दर्शन दीजिए हमें, क्योंकि आपका दर्शन ही हमारा जीवन है, आप ही मनसा वाचा कर्मणा हमारे एकमात्र आधार हैं, आपका दर्शन ही हमारा जीवन है। आपको देख देख कर श्वास चलती है, आपका चिंतन करते करते श्वास जाती है। मैं तो जब नाम लेती हूं तो श्वास लेती हूं, ये नैन कहीं भी हूं पर जित देखूं तित श्याममयी है। ये यमुना की धार, ये जल से भरे मेघ, ये श्याम तमाल, ये पुष्पों पर गुंजार करता ये भ्रमर, मेरे लिए केवल आपकी स्मृति का संदेश ही तो लेकर आता है। मैं जहां देखती हूं प्रियतम आप ही तो हैं, और हम जिनके आश्रय आप हैं, जिनका आधार आप हैं, जिनका सर्वस्व आप हैं, हमसे इस प्रकार रूठ जाना, हमसे इस प्रकार छिप जाना कहां तक उचित है। इसलिए दैत दृश्यता दीक्षुतावका स्तवै धृतासव स्वाम विचिन्वते। हम आपकी हैं, सर्वतो भावेन आपकी हैं, मनसा वाचा कर्मणा आपकी हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में आपकी हैं, इसलिए आप हमें दर्शन दीजिए। तो मंगलाचरण किया है गोपी ने ब्रज भूमि का, जय जय घोष करके, इस भूमि का जय जयकार करके, और प्रथम निवेदन ब्रजराज के श्री चरणों में निवेदन किया है दैत दृश्यताम, और अपना संबंध बताया है। ये जो अभी मैं कुछ देर पहले कह रहा था ना, सत्संग परिचय कराता है अपना, जब भगवान के द्वार में दरबार में जाओगे तो वहां पर कोई आपसे आपका परिचय पूछेगा, कौन हो, कहां से आए हो। सत्संग नहीं होगा जीवन में, स्वयं से ही पहचान नहीं होगी, तो वहां क्या कहोगे, क्या कहोगे कि मंत्री हूं, क्या कहोगे कि बहुत बड़ा उद्योगपति हूं, क्या कहोगे कि नेता हूं, अभिनेता हूं, ये परिचय। मन वे के जात किसे नहीं पूछनी, मन वे के जात किसे नहीं पूछनी, ओथे अमला दे होणगे नबेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद दा। मन वे भजन